Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Sundan Rana, a final year MBA student in GMC Jammu. So today we have a very special guest with us. He is Dr. Kavish Gupta. So sir, please introduce yourself to my audience. Thank you, Simran, for such a lovely opening. Hello guys, my name is Dr. Kavish Gupta and I am from 2018 batch. And I have done my MBBS from GMC Jammu. I have secured a rank of 1365 in May INI and rank of 1445 in NEET PG August 2024. So, sir, my first question for you is ki apni preparation start kab karein, because we are very confused. So, please guide us. बहुत लोगों का ये क्वेरी होती है कि प्रेपरेशन स्टार्ट कब करें. मेन चीज जो है ना वो यही है कि जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे बाकी लोगों से आप उतना ही आगे निकल जाओगे. मेरे को जब मैं प्री फाइनल में एंटर हुआ तो बड़े सारे लोगों ने, मैंने बाकियों से बात की कि मतलब अब पीजी तो करनी पड़ेगी तो कब स्टार्ट करें. तो मेरे जो दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि हम तो यार फाइनल ईयर में लेंगे ऐप. और तब मार्केट में जो थे ना दो ही ऐप्स मेन थे, मैरो और प्रेप. तो हमारा एक सेशन भी हुआ था उस टाइम पे प्री फाइनल के अराउंड की मैरो ने कहा था कि पीजी आपको करनी है और बेस्ट ऐप इन द मार्केट यही है. मेरे को था कि मतलब बाकी सब लोग फाइनल से अगर आप कर रहे हो स्टार्ट, मैं अगर प्री फाइनल से स्टार्ट करूं तो एक थोड़ी सी एज मेरे को ना ज्यादा मिल जाएगी. तो हमारे टाइम कोविड भी था लेकिन उस दो साल में किसी का मन पढ़ने का करता नहीं है. उस दो साल हमने पूरी टाइम ऐसे निकाला. लेकिन जैसे ही मैं प्री फाइनल में एंटर हुआ तो मेरे को था कि स्टार्ट कर लेनी चाहिए. तो मैंने फिर वहां से प्री फाइनल के स्टार्टिंग से ही मैरो लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की. सो आपने कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म यूज किया, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहे या अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज किया? बिकॉज आजकल बहुत क्रेज है कि बच्चे स्विच बड़ी जल्दी करते हैं ऐप्स, तो आपने कौन सा प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहे हैं? हमारे टाइम जो था सिमरन दो ही प्लेटफॉर्म थे, मैरो और प्रेप. लेकिन आज देखें तो यू नो मैरो, प्रेप लैडर, सेरिबेलम, भाटिया, डीबीएमसी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में. अब मैं जो ये कहूंगा कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो आप मतलब कंटेंट सब में सेम. लेकिन मेरा क्या था कि मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे रहा और लास्ट तक पूरा 3-3.5 साल मैंने वही प्लेटफॉर्म यूज किया, दैट वाज मैरो. तो मैरो यू नो यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, नोट्स यू नो गोल्ड स्टैंडर्ड है. तो मेरे को तो मैरो ही था. लेकिन आजकल बहुत फोमो हिट कर रहा है कि एक प्लेटफॉर्म से एक फैकल्टी के नोट्स लेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म से दूसरे. और आजकल सेरिबेलम और बीटीआर बहुत ज्यादा है. लेकिन मैं कहूंगा कि जो भी आप प्लेटफॉर्म लो उसको आप अच्छे से करो, उसके वीडियोस, उसके क्यू बैंक, उसके सब्जेक्ट टेस्ट, उसके ग्रैंड टेस्ट. और कुछ नहीं चाहिए आपको, कोई हवा नहीं है निकालना. फर्स्ट टाइम बहुत आसान है, कंसिस्टेंट रहो और जो यूज करो वो यूज करो. तो सर आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे और वीक सब्जेक्ट कौन से थे? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट तो मेडिसिन और राकेश नायर सर की जो मेडिसिन है वो हैंड्स डाउन दी बेस्ट मेडिसिन. लेकिन यू नो अब जितनी उनकी प्रशंसा होती है उनकी उतनी बुराई होती है. कोई कहेगा राकेश नायर सर की मेडिसिन इतनी, हाँ खासकर बहुत ज्यादा बच्चे कहते हैं कि वास्ट है, हाँ, कैसे कंप्लीट करें. देखो अगर आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है, मतलब दिल से आपको मेडिसिन पसंद है तो आपको राकेश सर की मेडिसिन बहुत अच्छी लगेगी. लेकिन अगर आप यू नो आपको शॉर्टकट लेना है फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, जब आपको सिर्फ कंप्लीट करनी है, मार्गो सर की भी अच्छी है. लेकिन मैं बड़ा मेडिसिन ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मेरे को फिजियोलॉजी मेडिसिन ये सब बहुत ट्रैक करना है, अनलाइक सर्जरी जो सिर्फ मेरे को बस करने के लिए करनी है. तो इसमें वही आपका फेवरेट और वीक वाला भी आ जाता है. फेवरेट मेरा मेडिसिन, फिजियो, पीड्स वगैरह. और वीक सब्जेक्ट्स या जिनमें मैं चेयर खाता हूँ, सर्जरी और ऑर्थो और ईएनटी, वो सब्जेक्ट्स. तो ये वीक सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया आपने, जो भी आपका? हाँ तो आपको फेवरेट और वीक सब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फेवरेट क्या है. वो आपको पता चलता है जब आप ग्रैंड टेस्ट देते हो. आप ग्रैंड टेस्ट मतलब मैंने अपना ग्रैंड टेस्ट जर्नी जो थी फाइनल ईयर के एंड में स्टार्ट की. जस्ट मैंने एक यू नो देखना चाहा कि मैं बैठ भी सकता हूँ 3 घंटा 3.5 घंटा एक स्क्रीन के सामने. तो वहां मैंने अपना पहला एक दो ग्रैंड टेस्ट दिए और दो ग्रैंड टेस्ट में मैंने 1-1.5 घंटे बाद बंद कर दिया लैपटॉप स्क्रीन वगैरह बंद कर. मेरे से नहीं हो रहा है, 110-120 क्वेश्चंस के बाद मैंने कहा बस बंद करो, बहुत हो गया. तो उसके बाद रेगुलर जैसे ही रहा मैंने अपने पूरी 40-50 ग्रैंड टेस्ट दिए होंगे. उस हिसाब से आपके जो है स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट आपको खुद ही पता चल रहा है. वो पूरी एक लिस्ट आती है वहां पे, इंटरफेस बहुत अच्छा है, आपको बता देगा
आपके वीक सब्जेक्ट्स क्या, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या। मेरे जैसे थे हमेशा ऑर्थो और सर्जरी जो है लास्ट के 5 में रही। पहले पहले बैथो बायो केम रहती थी, लेकिन वो मैंने स्ट्रॉन्ग की और वो फिर टॉप 5 में चले गए। तो लास्ट 5 मेरे वही थे, ऑर्थो, सर्जरी, सर्जी, ENT और रेडियो और वैसे सर्जिकल साइड। तो उन वीक सब्जेक्ट्स में आपको मैडम ने क्या हेल्प की, या फिर आपने खुद अपने आप को कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया? वीक सब्जेक्ट्स का क्या करना है आपको कि उनको आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे आप अगर दिन में आप 4 घंटा पढ़ रहे हो, मान लो 4 घंटा आप पढ़ रहे हो, आपने 1 घंटा आपके वो सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रांग है उसको देना है, और 3 घंटा आपने जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको देना है। जिस भी आप प्रेपरेशन फेज में, प्री फाइनल में हो, फाइनल में हो, इंटर्नशिप, यही चीज आपने फॉलो करनी है लास्ट में। और जैसे अगर आपके फिर वीक सब्जेक्ट्स में 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लास्ट में आ जाके ट्राई करो उसको 5 से अंडर करने की, वैसे ही आपका रैंक साथ साथ इंप्रूव होना। सेम थिंग है कंसिस्टेंसी, MCQs और वीडियोस, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके वीक सब्जेक्ट्स फॉर्म की तरफ जाते जाएंगे। अब मैं तो बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, बुक वॉर्मर, मैं नहीं पढ़ सकती। तो आप मेरे को बताओ कि आप सिर्फ किताबें ही पढ़ते रहते थे, क्योंकि आप इतना अच्छे रैंक लाने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ रहे थे, या आपने कोई हॉबी फॉलो की थी, या परस्यू किया कुछ और? मैं हमेशा से वैसा बन रहा हूँ कि ना बुक वर्म नहीं कह सकते, जैसे पर बुक्स हम पसंद है। बुक्स मेरे को पसंद है पढ़ना। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, चाहे वो कुछ नॉवल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। ये मैंने अपनी एक बनाई हुई थी कि फर्स्ट ईयर से ही रेगुलर रीड करता था मैं, जो भी एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिया, सेकेंड ईयर में जो बुक्स है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को मैं एक बार फुल रीड, कवर टू कवर मैंने पढ़ी है। तो उसके बाद ही मैं वीडियोस पे शिफ्ट करूंगी कि टेक्स्ट बुक से आपका बेस बनाएंगी। तो अब रीडिंग तो फिर करने से ही आएगी। हाँ, ये है कि साथ में आप क्या करते हो। साथ में मैं जिम करता था, साथ में मैंने अपने जो भी कॉलेजेस में जो भी एक्टिविटीज हुई, स्किट से लेके कल्चरल से लेके, मैंने कितने सारे कल्चरल किए हैं, डांस हाँ कितनी परफॉर्मेंस सारी डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं, आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। यू नो या डॉक्टर कविश गुप्ता, प्लीज मैं लिंक लाइक दे दूंगी नीचे। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो कल्चरल, डांस, स्क्रिप्ट और जो भी, मतलब ये है कि सिर्फ मेडिसिन पे नहीं है। रनिंग करने जाओ, जॉगिंग करने जाओ, किसी को फुटबॉल खेलना है, किसी को बास्केट, सब करो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी आपने कंटिन्यू रखो। स्ट्रेस रिलीफ का भी काम करता है वो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? 9 to 4 क्लासेस हैं, अटेंडेंस 85% है, और फिर वो बैक नहीं देते एग्जाम में, तो पढ़े हाँ, ये है कि 1 तो 85% है, विक्रम बेताल की वही बात होगी। पर हाँ, ये जैसे अगर आपके 9 to 5 है तो, लेकिन घर आओ आप, 2-3 घंटा चिल मारो और अपनी जो भी आप करते हो कोई उसमें रहो। लास्ट में थोड़ा ट्राई करो कि 1 घंटा 1.5 घंटा कहीं से स्क्वीज करो, कुछ पढ़ो। लेकिन ये है कि कोई दिन ऐसा ना हो कि कोई खाली जाए, फिर बाद में गिल्ट होता है। कुछ लोग वैसे भी है कि मेरा दिन खाली चला गया, फिर कॉल करते हैं, फिर गिल्ट होता है। बिल्कुल। तो मैं वही कहूंगा कि ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि जो लंबा चलेगा, लंबी रेस का घोड़ा वही है जो रोज पढ़ता है। मैं इंटर्नशिप में जाने वाली हूँ, सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर इंटर्नशिप? पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मतलब ऐसा ना कहूँ कि मतलब कोई पीछे से फोर्स कर रहा है आपको करने के लिए। जितना आप नेचुरल रखोगे ना अपनी प्रेपरेशन को, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अब जैसे इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में आपकी एक होती है हैवी पोस्टिंग्स, एक होती है लाइट पोस्टिंग्स। हैवी पोस्टिंग्स में आगे, जैसे हमारा बैच था, हमारी मेडिसिन, पीड्स, सर्जरी और गायनी साथ में लग गई एक साथ, तो स्टार्टिंग में ही हमारा बहुत सारा प्रेशर आ गया। लेकिन उसमें भी मैंने क्या किया कि जैसे अब फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड भी बहुत लोग यूज करते हैं, कि मेरे को था कि मैं बैग में एक फर्स्ट एड किताब है वो लेके चला जाओ इमरजेंसी में, जब भी टाइम मिले। रात को वार्ड ड्यूटी है, वार्ड ड्यूटी में टाइम आपके पास होता है तो आप उसमें पढ़ के फिर पढ़ लो कोई लो, मतलब नॉवल जैसे आप पढ़ते हो घर पे, वैसे सोने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा आप फर्स्ट एड पढ़ लो, या फिर इमरजेंसी ड्यूटीज में आप क्वेश्चन सॉल्व करो बीच में, बहुत टाइम होता है, रात को 2 से 5 का या सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मिक्स पैक क्वेश्चंस करो उस टाइम पे 20 to 50। वैसे अब हैवी पोस्टिंग और लाइट पोस्टिंग में क्या आ गया, हैवी पोस्टिंग में आप MCQs पे ज्यादा फोकस करो, ना सब्जेक्ट टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट वगैरह, और लाइट पोस्टिंग में आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स नहीं है आपके पास तब तक आप कुछ नहीं। किसी के होते हैं कि उन्होंने फाइनल ईयर, प्री फाइनल, अपना पूरा नोट्स बनाने में दिया होता, इस टाइम पे आप उसको कंसाइज कर सकते हो, बेस आपका बना हुआ है,
बज वर्ड्स आप अलग से निकालो, PYQs मार्क करो नोट्स पे, उसको अंडरलाइन करो। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक होता टॉप टू बॉटम अप्रोच, एक बॉटम टू टॉप, मतलब आपने नोट्स बनाए हैं उसको कंसाइज करते जाओ। वो क्या करते हैं, रिविजन नोट्स मैरो को ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म फॉर दैट मैटर प्रोवाइड करता है, उसमें आप एडिशन करो, उसमें आप क्वेश्चंस डालो, उसमें आप PYTs ऐड करो जो उसमें मिसिंग है, ठीक है। तो ये आप चीज करो जब आपकी लाइट पोस्टिंग है, हैवी पोस्टिंग है MCQ वगैरह ज्यादा उसमें फोकस करो। हाँ, और लेकिन रोज करो। सर, जैसे कि आपने MCQs और GT पे बहुत ज्यादा मतलब फोकस किया है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका कितना परसेंट मतलब अगर आप क्रेडिट देना चाहोगे कि MCQs और GTs का कितना क्रेडिट है इस रैंक के हाँ, पीछे? तो मैं उस पे आना चाहूंगा कि जनवरी फरवरी इस साल तक मेरे को बिल्कुल भी लगा नहीं था कि मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि ऑनेस्टली मेरा स्कोर जो था 440 450 पर स्टक था, और GT रैंक भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था 5,000 6,000। तो फिर मैंने क्या किया कि ज्यादा फोकस पहले मेरा रीडिंग पे था, लेकिन जैन फेब के आसपास मैंने अपना फोकस MCQ पे भी उतना ही देना 50-50 फोकस पे किया। तो डेली के मैंने जनवरी से 50 MCQ सॉल्व करने, कस्टम मॉड्यूल बना के मिक्स बैग, ठीक है। पहले आप कर सकते हो नीट पीजी आए ना, या बाकी जो हैशटैग्स है वो यूज करके कर सकते हो, लेकिन मेरे को था कि फोमो होता है कि इस टॉपिक से आ गया उस वो रह गया, तो मैं सारे हैशटैग डालता था। तो MCQs डेली करने लास्ट के 5-6 महीने डेली के 50, धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया 50 को 100 करो, 100 को 150 करो, लास्ट में तो 200 इवन 300 भी लास्ट हफ्ते में किए थे मैंने। और GTs जैसे जैसे हमारा प्रोवाइड करता है वैसे वैसे आप GTs देते रहो, जितने ज्यादा GTs दोगे उतने आपका रैंक, मतलब आपको पता चलेगा आप कहाँ लैग कर रहे हो, उस पर आप अपने वर्क करोगे और वैसे ही रैंक इंप्रूव होगा। तो GTs भी मैंने अपने 40-45 GTs दिए हैं आराम से। और कोई कहता है कि बंदे बंदे पे है कि अगर आप 3-4 GT में ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, मेरे को जो है कि मेरे को ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं 5-6 GTs चलता है मेरे को अपने रैंक को 500-600 इंप्रूव करने के लिए। वही चीज है जितने मेरे लिए, तो वही है जितना ज्यादा GT तो उतना। सर, जैसे ये प्रेपरेशन का फेज होता है, काफी नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है, कॉम्पिटिटिव, तो मेरे को बताओ अप्स एंड डाउन्स आपके लिए आए, अगर आए तो आपने कैसे मैनेज करा, या फिर चिल ही रहा? हाँ, नहीं, चिल बिल्कुल नहीं रहा। और इंटर्नशिप के टाइम पे तो बहुत कुछ हुआ है। एक तो सीनियर्स अलग से टॉक्सिक, हर डिपार्टमेंट टॉक्सिक है, और हार्ट ब्रेक की अलग स्टोरी है, तो वो बाद में कभी आपको करेंगे। हाँ, चैनल पे तो और वर्क प्रेशर तो है ही, कितने सारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं हमारे इंटर्नशिप में, ड्यूटीज लगती हैं 24-24 घंटे, 12-12 घंटे, टॉक्सिक है। और यही आपको अपने खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है कि आप निकाल सकते हो, उसका इतना ही है। और इस पे क्या कर सकते हो आप, बीच बीच में आप ब्रेक्स लो, CLs मिलती हैं, जाके कहीं घूमाओ पटनीटॉप, या पटनी जम्मू में यहाँ पटनीटॉप ज्यादा है तो वहां कर सकते हो, या फिर दोस्तों के साथ अपना कॉन्टेक्ट रखो, रात रात को गेड़ी पे निकल जाओ, लेट नाइट ड्राइव पे निकल जाओ पढ़ने के बाद तो पढ़ने के बाद। हाँ, तो आपको जो पसंद है आप वो करो, आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है आइसक्रीम का गुलाब जामुन अच्छा लगता है, बाकी तो क्या। सो लेट्स कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन, तो वो ये है कि आपकी क्या गाइडेंस है टू जूनियर्स और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज। जूनियर्स के लिए एक ही मैसेज है, कंसिस्टेंसी इज द की। आपने कंसिस्टेंसी को मास्टर कर लिया, जितने आप डिसिप्लिन रहोगे उतने आप रिगरस रहोगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। जैसे मतलब अपना दिल दे दो उसको, वही चीज पुट है, योर हार्ट पुट इनटू योर हार्ट इनटू इट। तो जितना आप अंदर से कहोगे कि मेरे को निकालना है, मेरे को परस्यू करना है आगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और जैसे अभी ये है कि प्लेटफॉर्म तो बहुत है, एक होता है प्लेटफॉर्म खरीदना, एक होता है प्लेटफॉर्म को यूज करना। तो मेरे लिए था जैसे कि मैंने मैरो लिया, अब मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं था कि कैसे यूज करना है, तो जाहिद भाई ने उसमें मेरी बड़ी हेल्प की, उन्होंने बताया कि आपको मतलब डेली के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कस्टम मॉड्यूल्स में है, आप कैसे कस्टम मॉड्यूल्स बना सकते हो, शफल कर सकते हो सब्जेक्ट्स में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्री फाइनल, और वीडियोज तो गोल्ड स्टैंडर्ड है ही है, साथ में पर्ल्स होते हैं उसमें मैरो में, पूरे पॉइंटर्स दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दिए होते हैं, स्कीमा है, स्कीमा से आपको प्रीवियस टॉपिक्स पता चल जाते हैं। मेरे को ये सब जाहिद भाई ने बताया। तो इस हिसाब से आप कोई भी प्लेटफॉर्म लो, उसके कैसे उसको यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, दैट इज इफेक्टिव द की। सो
आई थिंक दैट और वुड मेरे को वर्क. कवि सर ने बताया कैसे इफेक्टिव है रिव्यू करना. सो थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर योर गाइडेंस टू योर जूनियर्स थैंक यू एंड सिमरन ऑल फॉर द हैविंग मी. बेस्ट थैंक टू योर आई एन आई. यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू. थैंक यू सर.